नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू हमें 2 के इक्वल प्रूव करनी है बेटा। तो सीधा सीधा हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, 2 वैल्यू इसकी लेके आनी है हमें। तो 1 प्लस कोट को हमने लिख दिया कोस अपॉन साइन, कोसेकेंट को लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन बेटा, 1 प्लस टेन को लिख दिया हमने साइन अपॉन कोस, और प्लस सेक को लिख दिया हमने 1 अपॉन कोस। यहां इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो ये आपका बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बन जाएगा बेटा। इसका जो आपका एलसीएम आएगा वो कोस थीटा आएगा, तो यहां आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 ये बन जाएगा बेटा। अब देखो, अगर मैं साइन प्लस कोस को ए मानता हूं, साइन प्लस कोस को यदि मैं ए मानू और 1 को यदि मैं b मानूं, तो यहां बेटा मेरा a माइनस b बन रहा है, और यहां मेरा इसको a मानना है मैंने और प्लस b बन रहा है। तो अगर ये मेरा a है तो ये a माइनस b इंटू a प्लस b हो गया बेटा, और a माइनस b इंटू a प्लस b की आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां बनेगा ए स्क्वेयर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वेयर और माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपका आएगा वो आएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वो 1 हो जाएगी, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा बेटा आपका 2, यही आपके राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपका 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वो है 1 माइनस 10 थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर। और इसको हमें प्रूव करना है, वो प्रूव करना है सेक थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका सीधा होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यदि इसका होल स्क्वायर खोलते हैं क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, अब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, माइनस 2 tan थीटा। और ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कोट थीटा। तो यहां देखिए बेटा, ये आपके पास दो टर्म तो आ गए आपके पास sec स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा, ये आपके पास दो टर्म बच गई माइनस 2 tan थीटा माइनस 2 cot थीटा। तो ये आपके पास आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा, और इन दोनों टर्म से आपने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा बेटा tan थीटा प्लस cot थीटा। तो ये एडिटिव sec स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा आपका एडिटिव माइनस 2, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको हमने लिखा sin अपॉन cos, और cot आपका हो गया cos अपॉन sin बेटा। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा एडिटिव माइनस 2, इसका एलसीएम आएगा cos थीटा sin थीटा, cos से डिवाइड करेंगे sin पे जाएगा, sin से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, sin से डिवाइड करेंगे cos पे जाएगा, cos के साथ मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वैल्यू 1 हो गई बेटा। तो 1 अपॉन आ गया आपके पास ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 2, और इसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा। तो 1 अपॉन cos, cos हो गया sec, और 1 अपॉन जो sin है वो क्या हो गया बेटा cosecant। तो अब आप देखिए ये जो फॉर्मूला बन गया, ये आपके राइट साइड का फॉर्मूला बन गया sec थीटा माइनस cosecant थीटा का होल स्क्वायर हो गया, राइट साइड आ गया।
ठीक है। थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट आपका टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा माइनस वन और प्लस एक्स स्क्वेयर थीटा अपॉन कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू जो है वो हमें वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेन स्क्वेयर थीटा को हमने लिख दिया साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, टेन स्क्वेयर थीटा को अगेन साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा लिख दिया माइनस वन, कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा को वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा लिख दिया, सेक स्क्वेयर को वन अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा और कोसेकेंट स्क्वेयर को वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, यानी सभी को हमने साइन कोस के फॉर्म में चेंज कर लिया क्योंकि आंसर हमें साइन कोस के फॉर्म में लेके आना है। तो ये मेरा रहेगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा नीचे बेटा तो नीचे मेरा एलसीएम आएगा कोस स्क्वेयर थीटा, तो यहां बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ये वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज, इसका जब एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, अब कोस स्क्वेयर से डिवाइड करूंगा साइन स्क्वेयर पर जाएगा वन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर थीटा और माइनस जब साइन से डिवाइड करूंगा तो कोस पे जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। और सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं इसको, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर इनटू ऊपर हमारा कोस स्क्वेयर थीटा चला जाएगा और नीचे यहां साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा प्लस ये आपका वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा इनटू ऊपर जाएगा आपका कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा और नीचे जो बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो गया तो ये आपका बच जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा और प्लस यहाँ साइन पे साइन कैंसिल तो ये बच जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा और यहाँ आपका बन जाएगा बेटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता है वन होती है तो आपकी राइट साइड आ जाएगी वन अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर।